इसी महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख 17 नवंबर तय हो चुकी है और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इसी के चलते ही सभी स्टार प्रचारक अब धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उसी के चलते ही अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी के चलते ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र जैन के पक्ष में शिवपुरी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, शिवपुरी से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन को मैदान में उतारा गया है और उन्हीं के ही पक्ष में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के उमरी में पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही जनता से जनसंवाद कर भारतीय जनता पार्टी के और देवेंद्र जैन के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। लगातार आपको बता दें कि देवेंद्र जैन के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा अग्रणी रूप से खड़े रहते हैं और अब उनकी ये विशाल आम सभा भी इसी कारण से ही अहम मानी जा रही है।